So now we let us see that in magnetism and in electrostatics, what are some differences and what are some similarities between them? So if we have an analogy with the electrostatics for this magnetism chapter, then we can see here in this chapter, we will see that your electric field will be replaced by capital B, that means magnetic field. Your electric dipole moment will be replaced by the magnetic dipole moment. Your this constant value 1 upon 4 pi epsilon 0 will be removed by mu 0 upon 4 pi. This is basic difference. But so here we can have an analogy with our electrostatics chapter. Let us see this. In particular, we can write down the equatorial field. That is, जैसे हमने वहां पे इक्वेटोरियल फील्ड और एक्सल फील्ड निकाला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, द सेम कॉन्सेप्ट कम्स ओवर हियर. सो इफ यू विल सॉल्व लाइक दैट, जैसे आपने वहां पे सॉल्व किया था, वैसे यदि आप यहां पे भी सॉल्व करें तो आपको ये दो एक्सप्रेशंस मिलेंगे फॉर दिस इक्वेटोरियल फील्ड. फॉर दिस इक्वेटोरियल फील्ड फॉर आर इज मच मच ग्रेटर देन दिस एल, यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, है ना, इक्वेटोरियल पे में जब मैंने बात किया था उसमें आप ध्यान रखिए करिए उसको, किसी पॉइंट पी पे हम निकालते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, है ना, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. सो हियर इन द सेम वे यू आर फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ऑलराइट, बिकॉज़ ऑफ दिस टू डाइपोल्स, बिकॉज़ ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो you got this expression and which is analogous to जब आप electric field पढ़ा करते थे उसका जो हमने निकाला था, तो यहाँ पे mu 0.4 pi epsilon दिख रहा है आपको, वो replace हो जाएगा किससे, 1.4 pi epsilon naught से, हाँ, और ये जो m है वो p से, हाँ, और ये यहाँ पे क्या जाता था r cube. आप देख सकते हैं सेम कुछ इस तरीके का है, सिर्फ ये रिप्लेस हो गया है इन क्वांटिटीज, हाँ. तो देखें the magnetic field intensity at any point P in our equatorial surfaces, equatorial plane, that will be analogous to the electrostatic field. हाँ, जैसे electrostatic field में निकालते थे, वैसे magnetic field किसी point P पे आप निकाल लो, ठीक है? The same way, likewise the axial field of a bar magnet for R is much much greater than L. जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपका यही है ना, लेकिन जब आप electrostatics में देखोगे एक्सेल के लिए, है ना, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किससे रिप्लेस कर देंगे, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट से. सो ये कर दिया 2 पी हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है 2 पी डिवाइड बाय आर क्यूब. समझ आ रहा है ना, तो ये 2 पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग मैचिंग, है ना, कुछ मैच कर रहा है आपसे, कुछ चीजें जो है वो किसके जैसी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जैसी है. समझ आ रहा है आपको? तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये, क्योंकि आप यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ लियो तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडीइंग द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. वी हैव स्टडीड सो फार द गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वी हैव स्टडीड सो फार. इन दिस केस द कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट हियर इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हो, चाहे आपका मैग्नेट कितना ही बड़ा हो, है ना, आप उसको जब पीसेस में करोगे, पीसेस में कितना भी छोटा छोटा पीस कर दो, लेकिन उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं कर सकता. समझ गए? तो आप इस सपोज के लिए इस एरिया एलिमेंट में डेल्टा एस एलिमेंट लेते हो, लेकिन उस डेल्टा एस एलिमेंट से भी आप क्या निकाल सकते, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते. तो सीधा फंडा ये है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इस केस में वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन गोइंग आउट ऑफ द सरफेस. तो हमने डेल्टा एस एलिमेंट को कंसीडर किया था और क्लोज एलिमेंट था उसको सपोज किया था, क्लोज सरफेस एस इंटू मेनी स्मॉल एरिया एलिमेंट, हमने सपोज किया टोटल एस, जैसे टोटल सर्फेस इसका एस है, तो हमने छोटे 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 इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज दिस 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 डेल्टा एस एलिमेंट. तो एक बार ध्यान रखिएगा स्मॉल एलिमेंट, तो ये हम निकालना चाहें कि अपना जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा उस स्मॉल एंटिटी डेल्टा एस से, तो एक का निकाल लेंगे और बाकी क्या करते हैं समेशन ऑफ ऑल, है ना. सो तो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई बी,
डेटा फाइलिंग मतलब एक स्मॉल डेटा एस एलिमेंट का फ्लक्स है। तो यदि टोटल समेशन कर देंगे हम तो टोटल सरफेस का फ्लक्स पता चल जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट फील्ड और क्योंकि डेटा एस से जितनी मैग्नेट फील्ड लाइंस निकल रही है उतना ही एंटर हो रही है, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन टोटल क्या हो जाएगा नेट समेशन करोगे तो जीरो जाएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स is zero for the closed surfaces, for such kind of surface. So this is all about the Gauss law of magnetism. Students, now this topic is magnetization and magnetic intensity. We have studied so far in the solenoid that we had a large number of n number of turns, and we used to have a current in that, and we used to have a magnetic field generated by that. And that expression was something like this. Do you remember? आपको याद है कि ये यही एक्सप्रेशन है जो हमने सोलेनोइड में निकाला था। यस, सो हम इसको डिफाइन करते हैं, एनआई को हम एक नया टर्म का नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का नाम देते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज दैट फील्ड व्हिच इज जनरेटेड बाय द सोलेनोइड, है ना। जो करंट के कारण जो हमने करंट दिया है सोलेनोइड में उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है ना, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम करेगा। किसको मैग्नेटाइज करेगा? किसी भी मटेरियल को। मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या उसमें ऐसा क्या होगा कि मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा? मैंने पहले बताया था कि मैग्नेट में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एक एटम कंसीडर करें तो उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है, बराबर। उसे करंट जनरेट होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दैट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता था, पिछले वीडियो आप देखिए इसे, है ना। उसे आप पता चलेगा या यस देयर इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। तो इसमें इस जो हमने इसमें सोलेनोइड के अंदर डाला हुआ है एक मटेरियल, उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर वो किस तरीके से मैग्नेटाइज होता है। तो हम आगे भी बात करेंगे कितने टाइप के मटेरियल्स हमको मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स शो करते हैं। सो लेट अस सी दिस। So what is first understand what is magnetization? Magnetization is nothing but the net dipole moment of the in the material per unit volume. Clear? कि आप एक unit volume में किसी भी material के अंदर कितना magnetization generate हुआ, मतलब कि कितने number of magnetic dipole moment, जो magnetic dipole moment vector है वो कितना align हुआ एक direction में। जैसे और यदि ये मैग्नेटाइज ये मटेरियल जो है मैग्नेटाइजेशन का जो फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहा। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, वेरी क्लियर। सो दिस इज मैग्नेटाइजेशन, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम सपोज के लिए कि जो हमने सोलेनोइड किया यूज किया है और एक हमने रॉड डाली है, इसमें मटेरियल डाला किसी कोई भी मटेरियल हो सकता है, एल्यूमिनियम कॉपर व्हाटएवर। तो यहाँ पे आप देखिए दो टर्म्स आएंगे, एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमको मिल रही है किसके कारण, जो सोलेनोइड के कारण मिल रही है, जिससे हम किसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मैग्नेट किसी मटेरियल को जिसको हमको मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच दिया किससे, सोलेनोइड से, किससे है ये सोलेनोइड का, और जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रहा है किसमें हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, क्लियर। और कैसे हो रहा है, क्योंकि जो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, किसके इन्फ्लुएंस के कारण, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण, तो वो डिफाइन करेगा कि उस मटेरियल में कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा, क्लियर बात। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस रीजन में सेंटर में, तो हमको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट हो रही है सोलेनोइड के कारण, उससे ज्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड कभी मिल रही है कुछ मटेरियल्स के लिए, कुछ मटेरियल से लिए वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है बहुत कम हो जा रही है, हां। तो वहां से आईडिया आया, यस देयर इज समथिंग इन द मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटाइजेशन। जो टोटल मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड हमको वैल्यू मिल रही है, कुछ ऐसा एलिमेंट है इस मटेरियल के अंदर जो कि इस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे रहा है हमको,
ये जो आपको मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, किसके कारण? मैग्नेट, ये मटेरियल के कारण। तो उसमें कुछ ऐसा तो हो रहा है कि जिसके कारण के ये एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर? तो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया, कौन सी? डायपोल मोमेंट की थ्योरी, जिसमें बोला गया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड आप दिया कुछ मटेरियल के लिए, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और कुछ मटेरियल्स के लिए डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकता है, या फिर कुछ मटेरियल्स के लिए ना भी हो, या फिर कुछ मटेरियल में पहले से उसमें ऑलरेडी डायपोल मोमेंट ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, उसको हम आगे बात करेंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया वे कैसा, ये क्या इफेक्ट करेगा। तो हमने एक ये एलिमेंट कैसे मिलेगा हमको, मैग्नेटाइजेशन के कारण मिलेगा, और हमने पहले बायो सेवर्ट लॉ में इस म्यू नॉट पे डिस्कस कर लिया है। तो इस मैग्नेटाइजेशन के कारण, किसमें? मटेरियल में होने के कारण हमको एक कौन सी फील्ड मिल रही है? बीएम, तो B को सो क्या होगा? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट H प्लस BM क्या है? BM इज म्यू नॉट M, क्लियर? तो म्यू नॉट आप बाहर निकाल लो, तो H प्लस क्या हो जाएगा? M, मतलब दिस इज फॉर बाय द सोलेनोइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ है, क्लियर? तो ये जो टर्म आ गए, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक हम नया टर्म इसमें ऐड करते हैं, नया टर्म इसमें ऐड करते हैं, दैट इज एक नया टर्म कौन सा है इसमें? m इक्वल्स टू काई इनटू h, काई h, हम यहां पे एक नया मैथमेटिकल एक एंटिटी को यूज करते हैं जो जिसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये एलिमेंट बताएगा कि आपका मटेरियल के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका ससेप्टिबिलिटी। कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड के ससेप्टिबल है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर पास होने देता है, ठीक है? तो दैट इज द ससेप्टिबिलिटी, कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, क्लियर है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस को कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना ससेप्टिबल है, उसका मतलब ये होता है कितना वो मैग्नेटिक फील्ड के ससेप्टिबल है, मतलब कितना उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओरिएंटेड हो रहा है, क्लियर? तो ये बात होगी, तो अब यहाँ पे आप पुट अप कर दो वैल्यू, है ना? तो आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, दैट इज एच प्लस काई एच, है ना? सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, सो म्यू नॉट 1 प्लस काई, है ना, दिस इज काई एंड एच, इसका क्लियर हो गया? तो आप यहां पे देख पा रहे हो, तो एक चीज और यहां पे मैं डिफाइन करता हूं कि ये जो आपका ये जो वैल्यू मिल रहा है म्यू नॉट 1 प्लस काई, 1 प्लस काई इसको दीजिए, है ना? तो दिस इज म्यू, है ना, दिस इज म्यू इक्वल्स टू, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, क्लियर? तो हमको यहां से क्या मिलेगा? दिस कैन बी डिफाइंड, दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है? म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हो आप इसको। दिस इज रिलेटिव परमिटिव परमेबिलिटी, किसके कारण? मटेरियल के इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है? और ये फॉर वैक्यूम, तो आप यहां पे यदि वैल्यू रखोगे तो आप इजीली यहां पे यदि वैल्यू रख देते हैं, चलिए ठीक है रख देते हैं, तो क्या आएगा? म्यू आर म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, कैंसिल कर दो इसको, आपको क्या मिला? एक म्यू आर वैल्यू मिला 1 प्लस काई, ये रिस्पांसिबल है, ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी आपको मिल रही है दैट इज रिस्पांसिबल टू टेल यू दैट हाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल। ये काई आपको जो ये म्यू आर दिख रहा है ये बताएगा कि आपके मटेरियल की किस तरह की प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक मोमेंट को एक लाइन में ओरिएंट करने की क्षमता रखता है या फिर उसके अपोजिट एक्शन में करने की क्षमता रखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मटेरियल्स मिलेंगे, दैट इज डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच विल हैव समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स इन द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, ऑलराइट? सो डेफिनेटली दे मस्ट हैव डिफरेंट डिफरेंट दिस कोएफिशिएंट वैल्यूज। तो ये जो आपको म्यू आर और जो काई की वैल्यू साई की वैल्यू मिल रही है तो दैट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, क्लियर? सो वी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस फैक्टर्स in defining the property of the different materials like diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. We will talk in the next chapter.